शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं तो बस इस प्रमोशन के इंतजार में हूँ। आज प्रमोशन मिल जाए तो कल शादी कर लूँ। यहाँ पेंगेस की हैसियत से रहता हूँ। पिछले कई महीनों से सिर्फ गेस्ट हूँ क्योंकि पे नहीं कर पाया। मौसी कितना ख्याल रखती है हम लोगों का, और वो डॉक्टर तो मौसी के बेटे जैसा है, और उसी के बारे में तूने जाकर ऐसा वैसा कह दिया। न्याय सब जगह औरत के मर्जी से नहीं होते, और हम कोई औरत के गुलाम तो नहीं जो जो उसके हिसाब से ही सब फैसला करें। तो कहा है हम जानत है। अरे तू तो सांप है जो दूध पिलाने वाले को भी डसता है। हमारे सारे स्टाफ का डीए बढ़ गया लेकिन हमारा नहीं, क्योंकि हम सुपरवाइजर स्टाफ हैं। जैसे हमें रुपयों की जरूरत ही नहीं। अरे मैंने अपनी यूनियन की मीटिंग में साफ कह दिया, नो डीए नो वर्क। आई एम अ पेंटर बाय ट्रेनिंग, एन एक्टर बाय एक्सीडेंट, अ प्रोड्यूसर बाय कंपल्शन एंड अ डायरेक्टर बाय चॉइस। ये कबूलनामा है 70s के एक ऐसे एक्टर का जिसने एंग्री यंग मैन के दौर में कॉमन मैन के किरदार को सीधे सरल अंदाज में निभाते हुए दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई, जो लाइमलाइट से जितना दूर रहा अदाकारी के उतना ही करीब दिखाई दिया। नमस्कार, मैं अदा आज आपका परिचय करवाने जा रही हूँ कॉमन मैन के सुपरस्टार कहे जाने वाले स्क्रीन लेजेंड अमोल पालेकर से, जिनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी यूएसपी बन गई। एक्शन ओरिएंटेड फिल्मों से दूर रहकर भी उनकी स्मॉल बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जुबलियां मनाती रही। इसीलिए जब भी कभी रजनीगंधा, छोटी सी बात, चितचोर, घरौंदा, बातों बातों में या गोलमाल जैसी फिल्मों की चर्चा होती है, तो अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ अमोल पालेकर का चेहरा खुद ब खुद निगाहों के सामने उभर आता है। शादी दिल्ली में करें या बम्बई में? पहले नौकरी तो मिल जाने दो। नहीं, शादी दिल्ली में ही करेंगे, बम्बई में कौन आएगा? और ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे शादी में, रुपयों की जरूरत पड़ेगी ना, बम्बई सुना काफी महंगा है। वैसे तुम अपने रुपए अलग ही रखना, घर मैं अपने रुपयों से ही चलाऊंगा, क्यों ठीक है ना? आजकल बम्बई की सड़कें इतनी पढ़ी लिखी नहीं रही कि पढ़े लिखे लोगों का आदर कर सकें। इसीलिए तो बड़े लोगों के छोटे बेटे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अंधाधुन चलाते हैं। घर पहुंचने के बाद ख्याल आता है कि किसी को कुचल आए हैं। सुषमा मेरी बेटी है, ले जाओ उसे, बना डालो अपनी तरह, खूब अच्छा होगा, सारी जिंदगी दूसरों के घर पड़ी रहेगी। सुषमा के जरिए हाथ मरोड़ने का मेरा यह तरीका बहुत पुराना है, यही कहना चाहती हूँ ना? अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनका एक्टिंग के फील्ड में उतरना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन ये इत्तेफाक इतना खूबसूरत होगा इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जिस लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में 24 नवंबर 1944 को उनका जन्म हुआ था, उसमें इतनी ऊंची उड़ान भरने की चाहत, या यूं कहें कि उसकी गुंजाइश रेयर होती है, जिससे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं, वैसी एक पक्की नौकरी और शौक भी उतना ही, जिससे समाज में मान सम्मान बना रहे। अमोल से भी उनके पेरेंट्स कमलाकर और सुहासिनी पालेकर यही उम्मीद रखते थे। पेंटिंग का शौक अमोल को बचपन से ही था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, उसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर लिया। इन द इवेंट ऑफ फर्दर डिले इन इम्प्लीमेंटिंग द सैंक्शन प्रोजेक्ट, इट इज रिग्रेटेड दैट it will not be possible to grant any further extension to the utilization of the grant and the amount sanctioned। इस तरह उन्होंने अपने डेली रूटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बैंक में और 6 बजे से लेकर देर रात तक अपनी पेंटिंग में। Which please note yours etc. हेलो। फिल्मों में आने से पहले अमोल पालेकर थिएटर में अपने पांव अच्छी तरह जमा चुके थे, जहां भी उनकी एंट्री इत्तेफाक से ही हुई थी। गंगाराम कौन है? गंगाराम है एक तोते का राम, तो तोता राम
उनकी बहन की क्लासमेट चित्रा अक्सर उनके घर आती रहती थी, जो उनकी पेंटिंग से बेहद इंप्रेस्ड थी। उसी बहाने दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। नजदीकियां बढ़ी तो उनमें दिलों का भी हेर फेर होते देर नहीं लगी। चित्रा थिएटर से जुड़ी हुई थी, जहां उनके साथ अमोल का भी आना जाना होने लगा था। उन दिनों सत्यदेव दुबे थिएटर की दुनिया में एक जानी पहचानी हस्ती हुआ करते थे। उनकी नजर अमोल पर पड़ गई तो अपनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे में उन्हें एक रोल ऑफर कर दिया। दुबे के साथ मिलकर अमोल ने मराठी थिएटर में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और आगे चलकर अनिकेत नाम से अपना थिएटर ग्रुप कायम किया। 70s की शुरुआत में ही बासु चैटर्जी ने पहली बार अमोल को अपनी फिल्म पिया का घर में जया भादुरी के ऑपोजिट लीड रोल का ऑफर दिया, लेकिन अमोल उस अपॉर्चुनिटी को हथिया न सके। एक्चुअली बासु चैटर्जी की रिकमेंडेशन पर अमोल को राजश्री प्रोडक्शन के मुखिया ताराचंद बरजातिया का अप्रूवल लेना जरूरी था, पर राजश्री प्रोडक्शंस में किसी स्ट्रगलर की तरह जाने के बजाय वो चाहते थे कि बासुदा खुद उन्हें इंट्रोड्यूस करें, लेकिन किसी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। उसके साल भर बाद बासुदा जब दोबारा उनसे मिले तो रजनीगंधा उनके हाथ में थी, जिसकी खुशबू से अमोल पालेकर इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सके और उन्हीं के थ्रू उस खुशबू को उनकी ऑडियंस ने भी महसूस किया। भाई फर्स्ट डिवीजन में पास होने की बधाई, हम तो फेल हो गए। सेकंड डिवीजन में पास किया है आपने, जैसे मुझे मालूम ही नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? आप ही ने तो रोल नंबर बताया था। मतलब तुमने मेरा रोल नंबर याद रखा था? आप एमए में क्या ले रहे हैं? अरे नहीं भाई, अब तो कॉलेज को छुट्टी, ग्रेजुएट हो गए और क्या चाहिए। मैंने बीए पास कर लिया है, कोई साला यकीन ही नहीं करता, सब कहते हैं जरूर कॉपी की होगी। तुम तो एमए ज्वाइन कर रही होगी ना? हाँ, साइकोलॉजी में। हाँ भाई, तुम लड़कियों का क्या है, पता नहीं कैसे फर्स्ट क्लास ले लेती हो, उसके बाद एमए, पीएचडी, एलएसडी। दो कैनॉट प्ले। यहाँ भी फर्स्ट। बासुदा रजनीगंधा को पहले शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और अमिताभ बच्चन के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बजट में फिट होते ना देख अपना इरादा बदल दिया। अमोल पालेकर पहले से ही उनके रेडार पर थे, उन्हीं के साथ विद्या सिन्हा को भी कास्ट कर लिया और देखते ही देखते रजनीगंधा वजूद में आ गई। अरे ये इंटरव्यू सब दिखावा भर है, अब मेरे ऑफिस में ही देखो ना। हाँ, यहाँ मेरा इंटरव्यू इतना फर्स्ट क्लास हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रमोशन साले रंगनाथन को ही मिलने वाला है। कुछ नहीं, बंबई में पहुंचकर किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना, बस सब काम हो जाएगा। ये अमोल पालेकर विद्या सिन्हा के ताजगी भरे अप्रोच का ही एहसास था, जिसने उस रजनीगंधा को देश भर के थिएटर्स में सिल्वर जुबली वीक तक पहुंचा दिया, जिसके लिए शुरू शुरू में कोई बायर ही नहीं था। सो सॉरी दीपा, थोड़ी देर हो गई, सीईओ से आखिर मेरी झड़प हो ही गई, फाड़ में जाए साला प्रमोशन। यूनियन की तरफ से मैंने साफ कह दिया कि 5:30 के बाद 10 मिनट भी काम करें तो हमें ओवरटाइम मिलना चाहिए। अगर 10 मिनट लेट आने से हम एब्सेंट गिने जा सकते हैं तो 10 मिनट ज्यादा काम। साड़ी का रंग कैसा? अच्छा है, बैंगनी। तो 10 मिनट ज्यादा काम करने के लिए हमें ओवरटाइम जरूर मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। बासु चैटर्जी ने अमोल के साथ दो और फिल्में बनाई, छोटी सी बात और चितचोर। रजनीगंधा के इतिहास को दोहराते हुए इन दोनों फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई और इसी के साथ अमोल पालेकर हिंदी सिनेमा के उन रेयर स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए जिनके करियर की पहली 3 फिल्मों ने सिल्वर जुबली का टैग हासिल किया था। छोटी सी बात में लाजवाब अदाकारी के लिए अमोल को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। इसी के साथ उन्होंने बैंक की नौकरी से रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब उन्हें अपना फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर लगने लगा था। ये हिंदी फिल्मों का वो दौर था जब इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार के सिंहासन पर बिठाने को बेताब थी। उसी दौर में बासुदा की रजनीगंधा, छोटी सी बात और चितचोर जैसी फिल्में अमोल पालेकर को द बॉय नेक्स्ट डोर और कॉमन मैन सुपरस्टार जैसे टाइटल्स दिला रही थी। ये भी क्या कम कमाई है कि लोगों को हंसते हुए देख लेता हूँ। वैसे जिंदगी में हंसी अब रह कहाँ गई? किसी किसी परिवार में एक आध हंसी पड़ी हुई है, लेकिन वो भी उसे खर्च नहीं करता। इसीलिए तो राह चलते हुए भी 2-4 लोगों को हंसते देख लेता हूँ, भूख मिट जाती है। हाँ,
जब ही तो इतने सालों तक लगातार आधा पेट खाने के बाद भी जिंदा हूं। वैसे बात एक ही है, अमीर लोग डाइटिंग करते हैं और गरीब लोग फाका। मुझे को देखो ना, क्या स्लिम ट्रिम बॉडी है, मोटा हो ही नहीं सकता। मेरा सपना सुनोगी तो कहोगी काश ये सपना मैंने भी देखा होता। अक्सर सपने में देखा करता हूं कि मैं बिल्कुल नंगा ऑफिस में पहुंच गया हूं, सीईओ के सामने, या तो लिफ्ट में घुस रहा हूं या फिर कैनॉट प्लेस में बिल्कुल नंगा बस पकड़ने के लिए भाग रहा हूं। हाँ सच। 1979 का साल अमोल के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि इसी साल उनकी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जो कल्ट बन गई, जिसने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की परिभाषा ही बदल दी और जिसने कॉमिक टाइमिंग के लिहाज से अमोल पालेकर को उस मकाम पर पहुंचा दिया जिसे आज तक कोई छू भी नहीं सका। वो फिल्म थी ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल, जिसके लिए अमोल पालेकर ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल किया। उसी साल अमोल की रिलीज होने वाली कुछ दूसरी फिल्में थी बातों बातों में, दो लड़के दोनों कड़के, मेरी बीवी की शादी और सोलवा सावन, जो हिंदी सिनेमा में लीड के तौर पर श्रीदेवी की फर्स्ट फिल्म थी। कॉमेडी के अलावा अमोल पालेकर ने भूमिका और आंचल में ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स को भी बखूबी निभाया। तो मैंने जो सुना वो सही है? क्या सही है? कि तुम्हारी आशना ही चल रही राजन के साथ। झूठ है, अखबारों में खबरें छपी हैं, फोटो भी आई है तुम दोनों की। वो फिल्म की फोटो है। मेरी मंगेतर होते हुए ऐसा बेहयापन करते शर्म नहीं आई तुझे? मंगेतर? क्यों, शादी की कसम भूल गई? बोलो ना। लेकिन। लेकिन क्या, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम लोगों के पीछे जान खपाऊं? वहां आज की अब तब पे आ बनी थी, मैं उनके पीछे मर खप रहा था और तू गुलचर्रे उड़ा रही यहां। हम देखत हैं हमारे पीछे का चलत है। तू कलंकिनी है, पापिनी है, तोहार चरित्र इतना गिरा हुआ होगा हमें मालूम नहीं। सारा गांव थू थू कर रहा है, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे गांव में, तू जैसी कुलटा के कारण। मिड 70s से लेकर मिड 80s तक अमोल पालेकर की एक के बाद एक फिल्में आती रही, जिनमें हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु जैसी रीजनल फिल्में भी शामिल रही। 85-86 में खामोश, अनकही, झूठी और बात बन जाए जैसी फिल्में करने के बाद अमोल ने अपना रुख पूरी तरह से डायरेक्शन की ओर मोड़ लिया था। मैं अल्पना के भाई का दोस्त हूँ, आप जानते हैं वो भी पुलिस अफसर है, और उन्हें यह पता चल गया है कि आप अल्पना से प्यार करते हैं। अब बेहतर यही होगा कि आप सीधे जाके अल्पना के भाई से मिल लीजिए। मैंने सुना है कि आपके दोस्त यानी अल्पना के भाई बहुत ही कड़क पुलिस इंस्पेक्टर है। हाँ कड़क तो हैं, पहले ही दो चार झापड़ मार देते हैं फिर पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन आप डरिए मत, मैं उनसे कह दूंगा कि पहले पूछताछ करें फिर झापड़ लगाएं। वैसे उन्होंने 80s की शुरुआत से ही डायरेक्शन में उतरने का फैसला कर लिया था, जिसकी शुरुआत मराठी फिल्म आकृत से हुई। उसके बाद अनकही, थोड़ा सा रुमानी हो जाएं, दायरा, कैरी और पहेली जैसी कुछ हिंदी फिल्में भी बनाई। इनमें से पहेली को 78th अकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली थी, जबकि दायरा और कैरी को अलग अलग नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए थे। स्मॉल स्क्रीन के लिए भी उन्होंने कई बेहतरीन सीरियल्स भी बनाई हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में अमोल दो बार शादी के बंधन में बंधे, पहली बार चित्रा के साथ जिनसे उन्हें एक बेटी हुई शालमली। जब कोनो मेल ही नहीं तो संबंध रखने से क्या फायदा, हम तो उसे तलाक लेना चाहते हैं। 2001 में चित्रा से उनका डिवोर्स हो गया तो उन्होंने अपनी फ्रेंड संध्या गोखले से शादी कर ली। संध्या से भी उन्हें एक बेटी हुई समीहा। अब वक्त हो चला है अमोल पालेकर के कुछ सीन देख लेने का। कम्बक बस ने देर करवाई। तुम्हें कोई बस वक्त पर मिली थी है भला? अरे ऐसी कौन सी देर हो गई? अभी तो पिछले हफ्ते की सीरियल डॉक्यूमेंट्री चल रही होगी, पिक्चर पूरी देखने को मिलेगी, चलो आओ। क्या हुआ? नहीं लगता है टिकट कल वाली पैंट की जेब में भूल गया। बस यही बाकी था, एक दिन शायद तुम मुझे भी इसी तरह भूल जाओगे। नाराज हो गई, क्या करूं दीपा, मैं हूं ही कुछ भुलक्कड़। चलो गोली मारो फिल्म को, कॉफी हाउस चलते हैं। तुम पहले चप्पल की मरम्मत तो करवाओ, तुम फटी चप्पल फटकारते चलो, मैं तुम्हारे संग चलूं? लेकिन ये नहीं होगा, सब लोग देखेंगे हमें। चल भाई पॉलिश भी कर दे, तुम खामखा बिगड़ती हो दीपा। चलो कॉफी के बाद इंडिया गेट घूमेंगे, तुमसे बहुत कुछ बातें भी करनी। क्या खाओगी? कुछ नहीं। दो कॉफी ले आओ। देखो दीपा
बात बात पर इतना ना तुम का करो। एक तुम ही तो हो जो मेरी अच्छाइयों और बुराइयों को एक साथ। अच्छाइयां और तुम में? ठीक है बाबा, हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन है तो तुम्हारे ही। अच्छा हमें भी गोली मारो, तुम्हारी बातें करते हैं। थीसिस कैसी लिखी जा रही है? आधा वक्त तुम्हारे इंतजार में ही निकल जाता है, पढ़ने लिखने को वक्त ही कहां मिलता है। अरे क्या करोगी इतनी पढ़ाई लिखाई का, अव्वल दर्जे में एमए का कम है। मैं तो सिर्फ ये हूँ, वो भी सेकंड क्लास। नहीं तुम्हें डॉक्टरेट मिल गई तो तकलीफ हो जाएगी। कैसी तकलीफ? अरे भाई शादी तो आखिर पिताजी की मर्जी से ही करनी है। हाँ एमए लड़की तक तो लगता है कि पिताजी को पटा लूंगा, मगर तुम्हें पीएचडी मिल गई तो बस हो गई छुट्टी। इतनी बेमेल शादी को पिताजी राजी होंगे ही नहीं। लड़का बीए और लड़की पीएचडी। हमारा इसी तरह का आशीर्वाद रहा तो हो चुकी मेरी थीसिस पूरी। अरे नहीं भाई नहीं, तुम एक क्या 10 थीसिस लिखो हमें क्या। मुझे तो सिर्फ इतना फिक्र है शादी के बाद हमारे जो 10 बच्चे होंगे उनकी परवरिश मैं नहीं करने वाला। क्या हंगामा है भाई? आए सुबह सुबह दिलीप कुमार आ रहे ना, आए आने दो, सारी दुकान बेच देता हूँ, सारा बानो पका पका को पका पका को पका पका को खिलाएंगी ना। ये कौन है जो पीछे खड़ी है? क्या है? सुबह सुबह ब्योड़ा मारा समझे क्या? अबे धंधा खराब करने आए क्या? अबे हट। और इसके बाद जानते हो कौन आता है? अरे ओ सामे ये टमाटर बहुत लाल है रे। ए भाई टमाटर लाल नहीं तो क्या काला होता है? अरे ओ सामे ये नींबू बहुत अच्छा है रे। ए ये नींबू नहीं है, जरा झुक के देखो ना, मौसम्बी है मौसम्बी। अरे ओ सामे ये आदमी बहुत ज्यादा बात करता है रे, कहाँ है हमारी पिस्तौल? कितनी गोली है? तीन। पर आदमी एक और गोली तीन, बहुत ना इंसाफी है। अब आदमी भी एक गोली भी एक। अरे ओ महमूद बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये पिस्तौल मेरे हाथ में दे दे भाई। अंकल आप बताइए हमारी बड़ी बुआ हम पर कैसे गुस्सा करती है? जो आदमी ना हुआ करे उसके लिए थाली लगाने की कोई जरूरत नहीं। भाभी ये होटल नहीं है, घर है। आज से जो खाने के वक्त यहाँ नहीं होगा उसे खाना नहीं मिलेगा। हिस्ट्री की किताब से अंग्रेजी पढ़ी जा रही है। चुप कर, चुप कर। बड़के बाप जैसे बनना है क्या? चल उठ, चल उठ। 100 मर्तबा उठे बैठे कर। चल एक। कभी तो ऐसा गुस्सा आता है दीपा कि क्या बताऊं, फिर सोचता हूं क्या होगा गुस्सा करके भी, साली नौकरी ही बेकार है। इस बार मैंने भी पक्का कर लिया, इस्तीफा दे ही दूंगा। कल कहां मिलेंगे हम लोग? रो धोकर एक मौका आया था प्रमोशन का तो ये साला रंगनाथन नाटक का बीच में। कल मिल कहां रहे हैं? कहीं भी, सब जानते हैं रंगनाथन मुझसे 2 साल जूनियर है, मगर रंगनाथन भी क्या करे, हमारा चीफ ही साला कम्युनल है। लेकिन किस जगह मिलेंगे, कोई जगह भी तो हो। कॉफी हाउस ही सही, लेकिन इस बार मैंने भी ठान ली है, इस बार या उस बार, समझ क्या रखा है। चीफ होगा तो अपने घर का, दफ्तर के कुछ कानून कायदे भी तो होते हैं। कॉफी हाउस नहीं और भाड़ में चाहे तुम्हारा चीफ। सो सॉरी दीपक। क्या करूं, कभी कभी अपने ही ख्यालों में बह जाता हूं। असल में किसी भी तरह का अन्याय बेइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ मुझे घंटों अकेला कॉफी हाउस में छोड़कर दोस्तों में मस्त हो जाते हो और इधर कहते हो मैं अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा भाई हम हारे बस, बताओ क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी रंगनाथन का प्रमोशन कब होगा। रंगनाथन का प्रमोशन? मजाक छोड़ो दीपा,
क्या करें, हमें और कोई मिला ही नहीं मजाक करने को। देर से क्यों आई? तुमको छोड़ने कौन आया था? ऊपर से देखा नहीं था क्या? देखा, इसीलिए पूछ रहा हूं। उस फिल्म डायरेक्टर वाला किस्सा दोहराना चाहती हो क्या? और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक पहुंचने मुझे? जख्म को कुरेद कुरेद डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। उस बार घर ले आया था, बार बार नहीं लाऊंगा। तो मरने क्यों नहीं दिया मुझे? क्यों वापस ले आए? गलती की। मेरी कमाई की जरूरत है इसीलिए ना। क्या सच है अपने नाम से अलग बैंक अकाउंट खोला है तुमने और नया कॉन्ट्रैक्ट भी खुद साइन कर लिया है? तो क्या सारे पैसे सत्ते जुए में उड़ाने दूं तुम्हें? सुषमा की नहीं सोच रही है, आई की नहीं सोच रही है मुझे? किसने बोला चाय लाने को? निकलो यहां से। तुम हमेशा यही समझती रही कमाई तुम्हारी, एक्ट्रेस बनने में मदद मैंने की, तुम्हारा करियर संभाला मैंने, बाप के मर जाने के बाद तुम, तुम्हारी आई आजी भूखों मर जाते सब लोग, मैंने रोटी दी है उसको, मैंने। अच्छा, अब भी रोटी है, आप ही दे रहे? सुषमा, सुषमा वो रिकॉर्ड बंद कर। सुषमा क्यों रिकॉर्ड बंद करे? तुम कौन होते उसको मना करने वाले? तुम फिर से घर छोड़ने का बहाना खोज रही हो? जाओ, नाक रगड़ती वापस आओगी। बाबा, आई को? चुप कर, हमेशा का नाटक है ये। जा तू अपने कमरे में। ये था कॉमन मैन्स सुपरस्टार अमोल पालेकर की अदाकारी का नमूना, जो दर्शकों के दिलो दिमाग में इस तरह छप गया है कि लोग आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स को आज के अमोल पालेकर के तौर पर देखने लगते हैं। पेंटिंग्स को आज भी अमोल पालेकर अपने पहले प्यार की तरह देखते हैं। एक्टिंग के लिए अभी भी वो चैलेंजिंग रोल्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। OTT पे रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म गुलमोहर और वेब सीरीज फर्जी जिसके एग्जांपल्स हैं। एंड आई एम श्योर अमोल जी के फैंस वांट टू सी मोर ऑफ हिम इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। अभी के लिए गुड बाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। गंगा राम का किस्सा होता है तमाम, गंगा राम का किस्सा होता है तमाम, हिंदू को राम राम, मुस्लिम को सलाम। तो गंगा राम सवारा रह गया, गंगा राम गवारा रह गया। गंगा राम कौन है? गंगा राम है एक तोते का राम, तो तोता राम गवारा रह गया। ओ गंगा राम गवारा रह गया। गंगा राम बेचारा, गंगा राम गवारा रह गया।